हाँ दोस्तों, आज एक रियलमी का C12 एक मोबाइल कस्टमर ने दिया है। इसका ऑन नहीं हो रहा है। ये ऑन होने के बाद ऐसा मतलब आ रहा है रिकवरी मोड, बाकी आगे नहीं जा रहा है। आगे कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका रिकवरी मोड में आके ही लोगों पे हैंग हो जाता है और वॉल्यूम बटन ये सब मतलब कोई कुछ काम नहीं करता है यार। इसके बाद ये रिकवरी मोड का ये सब ऑप्शन आता है ऑन करने के बाद। इसको कस्टमर ने देखे गया, मैं कस्टमर को बोला कि इसमें कोई मतलब सॉफ्टवेयर का कुछ किया था क्या, तो उसने बोला कि कुछ नहीं किया था, ऐसे ही रखा था, उसके बाद ये हो गया। तो अगर सॉफ्टवेयर का कुछ नहीं किया तो इसका प्रॉब्लम 100% आपका, ये जो आपका मोबाइल का वन ऑफ का बटन होता है, जो पावर बटन बोलता है, जो पावर बटन और वॉल्यूम का जो बटन होता है, उसमें अगर जंग लग गया, अगर कुछ शॉर्ट वगैरह हो गया तो ये प्रॉब्लम आता है 99% मोबाइल के। तो कस्टमर से मैंने बिल इसको 500 रखा है। बहुत ही छोटा काम है, लेकिन क्या होता है ये मतलब प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है इसको पकड़ना मुश्किल होता है किसी किसी को। तो ऐसा अगर रिकवरी मोड में आ रहा है तो आपको पहले इसका वॉल्यूम बटन जो होता है उसको आपको देखना पड़ेगा। अगर वो शॉर्ट हो गया तो उससे ये प्रॉब्लम आता है। तो वॉल्यूम बटन के लिए इसका डिसेंबली करना पड़ेगा। ये खोल के देख रहा हूँ एक बार, वॉल्यूम का जो बटन होता है उसको डिस्कनेक्ट करके ऑन करके देखता हूँ। अगर ऑन होता है तो मोबाइल का 100% वॉल्यूम का जो ये होता है आपका पावर बटन होता है उसका प्रॉब्लम होता है, वॉल्यूम और पावर बटन इसमें अगर जंग लग गया, अगर मतलब वाटर डैमेज मतलब पानी वगैरह अगर लग गया तो ये सब होता है, पानी में गिरने से ये सब होता है। लेकिन तुरंत नहीं होता है, 2-3 दिन या 1 सप्ताह 1 महीना चल जाता है। 1 महीने के बाद ये मांग जंग लगता है, जंग लग के ये शॉर्ट हो जाता है ये वॉल्यूम का बटन। वॉल्यूम का बटन स्ट्रांग होके उसमें शॉर्ट होके ये प्रॉब्लम आता है। मैं एक बार देख लेता हूँ इसका एक्चुअली में वॉल्यूम का बटन में प्रॉब्लम है क्या, दूसरा प्रॉब्लम है। इसका वॉल्यूम का जो बटन होता है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया थोड़ा, मतलब ये आपका मदरबोर्ड मोबाइल से खोल के ये वॉल्यूम का बटन डिस्कनेक्ट करके ट्यूजर से ऑन करके देखता हूँ क्या होता है। मैं एक बार ऑन करके देखता हूँ ऐसे वॉल्यूम बटन ये डिस्कनेक्ट करके। हाँ देखिए मोबाइल ऑन हो गया, ये रिकवरी मोड भी नहीं है। 100% आपका वॉल्यूम का जो बटन होता है उसमें प्रॉब्लम है, उसमें मतलब जंग लग गया था, शॉर्ट हो गया। ये मोबाइल ऑन हो गया, देखिए रिकवरी मोड ये सब कुछ भी नहीं आ रहा है। अभी मोबाइल ठीक हो गया। बहुत ही छोटा काम है, लेकिन ये सब काम में बहुत पैसा है, कस्टमर से टाइम लेना पड़ेगा। ये जितना भी मॉडल होता है, जितना भी मोबाइल होता है, रिकवरी मोड में आने से इसका 99% इसका वॉल्यूम का जो बटन होता है और पावर बटन, इसमें जंग लगने से ये प्रॉब्लम होता है। इसका रिसेट भी कर दिया है उसने रिकवरी मोड में जाके, कस्टमर ने किया हो शायद। ऑन करके देखता हूँ मोबाइल उसका कुछ प्रॉब्लम है क्या नहीं। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये मोबाइल का ऐसे ही है, मतलब आपका वॉल्यूम का जो बटन होता है उसमें ही प्रॉब्लम है। इसका वॉल्यूम का बटन अगर चेंज करना है, अगर है तो चेंज कर दीजिए, अगर नहीं तो थोड़ा ये इसको ब्रश मार के सफा करने से भी हो जाता है। ये ब्लेड से मैं निकल के ऊपर का जो टैप होता है वो निकल के थोड़ा जो जंग होता है वॉल्यूम का, माइनस का प्रॉब्लम है, माइनस बटन का, उसको खोल के थोड़ा फिर से लगा के सफा करके लगा के फिटिंग करने से, अगर अच्छा तरह से फिटिंग करेंगे तो हो जाएगा। इसका चेंज नहीं करना है वॉल्यूम का बटन। वॉल्यूम का बटन आपका मार्केट में जाने से आपका 150 या 150 रुपया मिल जाएगा, लेकिन अगर तुरंत मिल जाए तो हो जाएगा, लेकिन कभी कभी नहीं मिलता है। ये सब बहुत सारा मॉडल आता है आजकल, थोड़ा दिक्कत होता है इसमें मिलने में मार्केट।
जैसे बॉटम होता है, बॉटम के नीचे इसमें आपका जंग लगता है, इसको प्लेट से या फ्रीजर से इसको सफा करके क्लीन करके आप थोड़ा ब्रश मार के सब कर सकते हैं। क्लीन करके फिर से बैठा देना पड़ेगा ये जो आपका बॉटम होता है। थोड़ा सफा करके फिर से बिठा देने से इसका हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसको सेंस नहीं करना है। थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दिया, इसमें टाइम लगता है, थोड़ा छोटा काम है लेकिन बहुत टाइम लगता है, तो ध्यान से करना पड़ेगा। अगर एक हो गया तो इसमें तीन प्लेट रहता है आपका, 3 या 7 प्लेट रहता है, सबको आप क्लीन करके फिर से बैठा दीजिए, हो जाएगा। इसके जो ऊपर का जो प्लास्टिक का बटन होता है वो टेप में लगा के जैसे तरफ बैठा के बैठा देने से हो जाएगा। मैं देखता हूँ फिर से आता है कि नहीं प्रॉब्लम, पर चेक कर लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर देना और लाइक कर देना। जा रहा है इसमें बाईपास नहीं हो रहा है, इसमें शायद FRP नहीं लगा है। अगर FRP लग गया तो इस बार नहीं है, FRP नहीं है शायद। ऑन करके देखता हूँ।